बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन साइंस क्लास फॉर ग्रेड वन ऑफ एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम डिपो कैंपस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन इज़ अवर सेल्फ। फर्स्ट टॉपिक इज़ अवर बॉडी। अवर बॉडी मतलब हमारा जिस्म। अवर बॉडी इज़ ऑल योर फिजिकल पार्ट्स इंक्लूडिंग योर हेड, आर्म्स एंड लेग्स एक्सेट्रा। मुख्तलिफ ऑर्गन्स को मिला के हमारी बॉडी बनती है। ऑल ऑफ अस आर स्पेशल। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारी बॉडी जो है मुख्तलिफ पार्ट्स से मिलकर बनती है। ईच पार्ट्स हैज़ अ नेम एंड डिफरेंट यूज़। और हर बॉडी का एक मखसूस नाम होता है और उसका हर बॉडी का अलग फंक्शन होता है। फर्स्ट कैन यू सी, ये देख रहे होंगे आपके बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसको लेबल किया हुआ है। दिस वन इज़ आइज, आर्म, स्टमक, हैंड, फिंगर, नी, फुट, ईयर, माउथ, नेक एंड लेग। जैसे कि आपने पहले भी प्रीवियस क्लास में भी पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़े होंगे, अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया गया है। ओके, नेक्स्ट पेज। द डिफरेंट बॉडी पार्ट हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स। मुख्तलिफ जिस्म के पार्ट्स जो हैं वो हमें मुख्तलिफ कामों में मदद देते हैं। नोज़ फॉर स्मेल। अभी आप देख रहे हैं कि ये बच्ची स्मेल कर रही है रोज़ को, तो इसमें इसका कौन सा ऑर्गन यूज़ हो रहा है? नोज़ फॉर स्मेल। दिस गर्ल आइज़ फॉर साइट। अब क्या है, ये बच्ची माइक्रोस्कोप में देख रही है और इसमें कौन सा ऑर्गन यूज़ हो रहा है? आइज़ का। आइज़ से वो देख सकती है। टंग फॉर टेस्ट। अब जब भी आपने कोई चीज़ खानी होती है तो आप उसका टेस्ट करने के लिए, आपको टेस्ट कहाँ से पता चलता है? आपके टंग से पता चलता है कि वो स्वीट है, सोर है या सॉल्टी है। तो टंग फॉर टेस्ट, कि आपको जब किसी चीज़ को टेस्ट करना होता है तो वो आप टंग से करते हैं। वी कैन जंप, वॉक, टॉक एंड सिंग। आप इन दिस पिक्चर यू कैन सी फोर डिफरेंट फ्रेजेस। फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी द चाइल्ड इज़ जंपिंग विद देयर फीट। अब वो एक बच्चा है, वो अब जंपिंग कर रहा है अपनी टांगों से, अपने पाँव से। इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी ही इज़ वॉकिंग विद देयर लेग्स। इन दिस थर्ड पिक्चर यू कैन सी टू चिल्ड्रंस आर विस्लिंग। अब इस पिक्चर में इस बच्चे का माउथ यूज़ हो रहा है और दूसरे बच्चे का ईयर यूज़ हो रहा है इस बताने में और इसका सुनने में। अब एक बच्चा बता रहा है तो वो उसमें वो कौन सा ऑर्गन यूज़ हो रहा है? उसका माउथ का। और जो बच्चा सुन रहा है उसका ईयर ऑर्गन यूज़ हो रहा है सुनने के लिए। इन फोर्थ पिक्चर यू कैन सी के बच्चा सिंग अ सॉन्ग, तो वो कौन सा ऑर्गन यूज़ हो रहा है? माउथ। अब आपको देख पता चल जाएगा कि इसमें फोर पिक्चर्स हैं और फोर डिफरेंट ऑर्गन्स यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट काम में। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर फोर। सम पीपल आर फैट वाइल सम आर शॉर्ट। कुछ लोग लंबे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। सम पीपल आर फैट वाइल सम आर थिन, के कुछ लोग मोटे होते हैं और कुछ पतले। इन दिस पिक्चर यू कैन सी टू मैंस आर स्टैंडिंग। वन पर्सन इज़ फैट एंड सेकेंड इज़ थिन। इन सेकेंड पिक्चर फर्स्ट पर्सन इज़ टॉल एंड सेकेंड इज़ शॉर्ट। इसी तरह आपने भी अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसेस। हमारे फाइव सेंसेस होते हैं, जो आइज देखने के लिए यूज़ होती है, नोज़ सूंघने के लिए, हैंड फॉर टच एंड टंग फॉर टेस्ट, ईयर्स फॉर हेयर। वी थिंक डिफरेंटली एंड लाइक डिफरेंट थिंग्स। हम लोग डिफरेंटली डिफरेंट तरीके से सोचते हैं और डिफरेंट चीज़ें सोचते हैं। जैसे इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ लिटल बॉय
think about a machinery. And in second picture, the girl think about doll and doll house and doll about doll house and doll. अब ये बच्चा है वो एक मशीनरी के बारे में सोच रहा है और एक बच्ची है वो डॉल हाउस और डॉल के बारे में सोच रही है. अब ये दोनों बच्चे सोच रहे हैं कुछ, लेकिन दोनों की थिंकिंग चेंज है. इन नेक्स्ट पेज अवर फाइव सेंसेस. अब हमारे कौन कौन से फाइव सेंसेस हैं, अब हम इनको रीड आउट करते हैं. अवर सेंसेस हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट द थिंग्स अराउंड अस. यू कैन सी विद योर आइज़. अब आप जब आपको कुछ देखना होता है तो आप अपनी आइज से देखते हैं. यू कैन टेस्ट विद योर टंग. और अगर आपने कुछ टेस्ट करना होता है तो वो आप अपनी टंग से टेस्ट कर सकते हैं. यू हेयर विद योर ईयर्स. अब जब आपने कुछ सुनना होता है तो आप अपनी ईयर्स यूज़ करती हैं. यूज़ टच विद योर स्किन. अगर आपको किसी चीज़ को टच करना है कि वो रफ है कि सॉफ्ट है या कुछ भी है, तो आप अपना हैंड अपनी स्किन यूज़ करते हैं उसको टच करने में. यूज़ स्मेल विद योर नोज़. अगर आपको कुछ चीज़ सुननी होती है तो आप अपनी नोज़ यूज़ करते हैं सूंघने के लिए. Hear. We can hear with the help of our ears. Some sounds are nice to hear like soft sounds. आप अपने सुनने के लिए अपने कान इस्तेमाल करते हैं. कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सुनने में अच्छी लगती हैं, धीमी होती हैं, हल्की होती हैं और सुनने में आपको अच्छी लगती हैं. सम साउंड्स आर नॉट सो नाइस टू हेयर लाइक लाउड साउंड्स. और कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो बहुत ऊंची होती हैं, जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लग रही होती. लो साउंड्स आर डिफ़िकल्ट टू हेयर. और जो हल्की आवाज़ होती है कोई बहुत ही ऐसा बोले तो आपको मुश्किल होता है सुनने में. अब आप इन दो पिक्चर्स में देख सकते हैं. नेक्स्ट इज टेस्ट. टंग हेल्प अस टू टेल द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट स्वीट सोर बिटर एंड सॉल्टी. अब आप अपने टंग को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ टेस्ट को बताने के लिए कि ये सॉल्टी है, स्वीट है या सोर है या बिटर है. अब जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है, इन फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी केक. अब केक का टेस्ट कैसा होता है, वो स्वीट होता है. पोटैटो चिप्स का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है. लेमन किस तरह का होता है, सोर होता है. और बिटर गार्ड का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है. नेक्स्ट सेंस इज टच. अवर हैंड्स हेल्प अस टू फील. वी कैन फील एनी थिंग वेन वी टच. इट इज़ अवर स्किन डैट हेल्प अस टू फील. वी कैन फील वेदर अ थिंग इज सॉफ्ट और हार्ड, कोल्ड और हार्ड, स्मूथ और रफ. अब इसमें आपको बताया जा रहा है, अब अगर आपको किसी चीज़ को छूना है, टच करना है, तो आपको तब ही पता चलेगा कि वो चीज़ कैसी है, नरम है, सख्त है, कोल्ड है, ठंडी है, गर्म है या किस तरह की है. मोबाइल फ़ोन कैसा होता है, वो प्लेन और सॉफ्ट होता है. प्लेडो कैसी होती है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है, नरम नरम सी होती है और स्मूथ होती है. ट्री कैसा होता है, ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो रफ़ सा होता है, रफ़ होता है, खुरदरा सा होता है कि आपको वो फील हो जाता है कि ये रफ़ है. डोर नॉप, जो डोर का वो होता है लॉक होता है वो कैसा होता है, वो सॉफ्ट सा होता है और प्लेन होता है. नेक्स्ट सेंस इज साइट. अवर आइज हेल्प अस टू सी. वी नीड लाइट टू सी मैनी थिंग्स क्लियरली. वी कैन नॉट सी अ थिंग इन द डार्क. साइट मतलब देखना. हम लोग जो है आइज़ को यूज़ करते हैं देखने के लिए. हमें किसी चीज़ को देखने के लिए देखना हो तो हम अपनी आइज़ का इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको कोई चीज़ रोशनी में आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो चीज़ आपको बहुत क्लियरली नज़र आएगी, जबकि वही चीज़ अगर आप अंधेरे में देखेंगे तो वो आपको सही से क्लियर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अंधेरा होगा, अंधेरे की वजह से आपको चीज़ क्लियरली नज़र नहीं आती. लास्ट और सेंस इज़ स्मेल. स्मेल क्या है, स्मेल हम किससे करते हैं, नोज़ से. किसी चीज़ को सूंघने के लिए हम कौन सा ऑर्गन यूज़ करते हैं, नोज़. अवर नोज़ हेल्प अस टू स्मेल. हमारा हम नाक का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को सूंघने के लिए. सम थिंग्स हैव गुड और प्लेजेंट स्मेल. कोई चीज़ें की जो स्मेल है वो बहुत अच्छी होती है, जैसे कि आप परफ्यूम सूंघ रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो जैसे परफ्यूम हो गया, फ्लावर्स हो गए, इनकी बहुत अच्छी परफ्यूम फ्रेगनेंस होती है, तो आप इसको इंजॉय करते हैं. बट सम थिंग्स हैव बैड और
अनप्लेजेंट स्मेल। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लग रही होती, बहुत अजीब सी स्मेल होती है। ओके, इन नेक्स्ट पेज ग्रोइंग अप। आप जैसे कि आपको पता है कि जब आप स्टार्ट में होते हैं, आप एक छोटे बेबी हो रहे टॉडलर एज होती है आपकी, बहुत ही बहुत ही टॉडलर होते हैं, छोटे होते हैं, जिसमें आपको ना बोलने का पता होता है ना चलने का, इस तरह। उसके बाद आपकी जो एज है वो ग्रोइंग एज हो जाती है, आप चाइल्डहुड में चले जाते हैं, चाइल्डहुड मतलब उसके बाद आपकी टीन एज आ जाती है, फिर अडल्टहुड आ जाता है और एक ओल्ड एज हो जाती है। सबसे पहले आप टॉडलर में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, फिर आप चाइल्डहुड में चले जाते हैं, टीन एज, फिर अडल्ट एंड ओल्ड एज, फिर आप बूढ़े हो जाते हैं। पेज द पिक्चर ऑफ़ योर फैमिली फ्राम यंगस्ट टू ओल्डेस्ट। फिर आपने इस पिक्चर इस फ्रेम में अपनी फैमिली की किसी भी पर्सन की पिक्चर लगानी है, यंग और टॉडलर टू यंगस्ट टू ओल्डेस्ट के कोई जवानी से लेके बूढ़े होने तक की। सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट सेंसेस एंड अवर बॉडी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हेल्दी एंड अनहेल्दी थिंग्स। लर्न द क्वेश्चन आंसर एंड MCQs विच हैव बीन गिवन टू यू इन नोट्स फॉर्म। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।